नमस्कार, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इंडिया इनसाइट बुक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक सामान्य निवेशक के लिए अर्थव्यवस्था की वास्तविकता जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब वो ये समझ जाता है कि अर्थव्यवस्था की वास्तविकता क्या है, तो उसे अपना निर्णय लेने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वही प्रयास बीएससी आईपीएफ और सेबी द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग एक पूरा प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है। सो जो निवेशक उसके बारे में समझना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल पर जरूर भेजते। हम एक प्राइवेट कंपनी का रिपोर्ट चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से हम मैक्वायर कंपनी का रिपोर्ट चर्चा कर रहे हैं। हमने मैक्रो से लेकर माइक्रो तक लाने की एक श्रृंखला, फिर जो एक प्रवास है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अब तक हम लोग जीडीपी पर, कैपिटा पर बात कर चुके हैं। हम डेमोग्राफिक्स पर बात कर चुके हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा वर्कफोर्स है, जिसकी वजह से उसके रिपरकेशंस या उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। हमारा कैपेक्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने में हम सफल रहे हैं। हमारे यहाँ पर फिनेंशियल इंक्लूजन, आज भी 20% की आबादी ये मुख्य धारा में आना बाकी है। सो यहाँ पर भी बड़ी रूम है। हमारे यहाँ पर बढ़ते हुए एनपीए, ये एक अलार्म है या फिर एक बेल है जिसके बारे में अर्थव्यवस्था या फिर सिस्टम सोच रही है। डिजिटल ड्रीम आईटी के बारे में हमने बात की, और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स के बारे में हम जान रहे हैं, वहां पर एक सामान्य निवेशक के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है उस पर बात कर रहे हैं। या हम देख सकते हैं, ये मैक्वायर का रिपोर्ट है, ये कहता है कि रिटेल फ्यूअल डिमांड जो है पिछले दशक में 50% से बढ़ी है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा होता है, जिसमें पेट्रोल डीजल एलपीजी जो पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कुकिंग करने के लिए या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबको मिलके लगभग 50% से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ी है। फिर जो नेचुरल गैस होता है, एलएनजी जिसको कहते हैं, जिसको अक्सर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग करने के लिए, कई जगह पर प्लास्टिक के कुछ कारखाने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के केमिकल्स के कुछ कारखाने होंगे, वहां पर इसका उपयोग ज्यादा होता है, उसमें भी उसकी डिमांड भी बढ़ी है। और ऐसा कहते हैं कि हम अभी तक लगभग 64 BCM का इस्तेमाल करते हैं या कंजम्पशन करते हैं, वो 100 BCM तक जाएगा 2025 तक। ये जो ग्रोथ है ये 7% की ग्रोथ कैलकुलेट की गई है, जबकि सरकारी आंकड़े ऐसा बतलाते हैं कि ये ग्रोथ तो 15% तक हो सकती है। 15 नहीं 7 भी होती है तो भी ये आंकड़े बहुत है। सो इस क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यहाँ की कंपनियों के बारे में भी हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। इलेक्ट्रिफिकेशन, 7.5 करोड़ लोगों तक का हमारे यहाँ पर बिजली हम पहुंचाने में सफल रहे पिछले 20 सालों में, और लगभग 95 से 98% तक घरों में लोगों तक बिजली हमारी पहुंच चुकी है। इसमें भी और काम बाकी है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनी है, हेवल्स हो गई, क्रॉम्पटन कंज्यूमर हो गई, ये कंपनियों का नाम इस रिपोर्ट में दिया जरूर गया है, लेकिन ये टिप नहीं है। जो वायर्स बनाती है, फर्स्ट टाइम यूजर्स इसको ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे क्षेत्र में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में है। ऐसा कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका इस्तेमाल या इसका जनरेशन ये पिछले एक दशक में लगभग डबल हुआ है, और अभी इसका जो इसके लिए जो पर्याय खोजे जा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर हो, हाइड्रो पावर हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो इस क्षेत्र में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।